जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फौजी मैथ अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इसमें मैं बताने वाला हूँ कि जनवरी 2021 में कौन कौन सी 5 वैकेंसियाँ बढ़ी जिनके फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। आप इनमें फॉर्म फिलअप करके अपना नंबर पक्का कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए। मैं इसमें बताने वाला हूँ कि इनके एज क्या है, इनमें एजुकेशन क्या चाहिए, इनकी जो फीस क्या लगती है, इनके कब एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। और ये पाँचों वैकेंसियों में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसियाँ हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एयरफोर्स, जिसमें एक्स और वाई ग्रुप की वैकेंसी आ रखी है, जिसके फॉर्म 22 जनवरी 2021 से 7 फरवरी 2021 तक भरे जाएंगे दोस्तों। तो जो इसका एज है, सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसकी जो वैकेंसी उसमें एलिजिबल कौन है, तो एलिजिबल वो है जिसके 12th में, जो वाई ग्रुप है उसके लिए 12th में 50% अंक होने चाहिए। वो 12th चाहे कोई भी सब्जेक्ट से हो, वाई ग्रुप में 50% अंक होने चाहिए। इसके साथ में आपके इंग्लिश में भी 50% नंबर होने चाहिए दोस्तों। और जो एक्स ग्रुप है उसके लिए आपके साइंस मैथ होना चाहिए, उसमें 12th क्लास पास और 50% अंक आपके होने चाहिए, साथ में 50% आपके इंग्लिश के मार्क भी होने चाहिए, तभी आपका एडमिट कार्ड आएगा। एज क्या होगी, 16 जनवरी 2001 से, अगर आपका जन्म 16 जनवरी 2001 से 24 दिसंबर 2004 के बीच का है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो दोस्तों। 16 जनवरी 2001 से 24 दिसंबर 2004 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। साथ ही जो इसका एग्ज़ाम होना है, इसके एडमिट कार्ड आएंगे अप्रैल में, और इसका एग्ज़ाम होना 18 से 22 अप्रैल के बीच में इसके एग्ज़ाम होने हैं दोस्तों। तो आप ये फॉर्म अभी तक नहीं भरे हो तो आप इसका फॉर्म भर दीजिए। इसकी फॉर्म फीस भी ज़्यादा नहीं है, 250 रुपये के आसपास है। तो जिन्होंने अभी फॉर्म अभी तक मतलब अप्लाई करने की नहीं सोची, वो ज़रूर सोचिए। 22 जनवरी से आप इसका फॉर्म अप्लाई करके तैयारी अपनी शुरुआत कर दीजिए। इसकी जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल, जो इसकी वेबसाइट है उस पर भी जाके आप देख सकते हो। बाकी आपका जो इसका सिलेबस है वो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, कहीं भी साइब जो एयरफोर्स की बुक आती है वाई ग्रुप की, उसमें आपको सिलेबस मिल जाएगा। नोटिफिकेशन में भी इसका सिलेबस मिल जाएगा और आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए दोस्तों। अब बात करते हैं नंबर 4 की, ECGC रिक्रूटमेंट 2021 दोस्तों। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, निर्यात ऋण गारंटी निगम। तो दोस्तों इसमें वैकेंसी आ रखी है 59 पोस्ट की, जिसमें PO की पोस्ट है। तो PO की जो बैंक की पोस्ट है उसके बजाय ये पोस्ट बहुत ही अच्छी होती है, इसमें कंपटीशन कम होगा दोस्तों। क्योंकि PO की पोस्ट जो बैंक में होती है उसका सभी को पता होता है, ये वैकेंसी कई लोगों को पता नहीं है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी, इसका जो एज है वो 30 साल तक है। और किसी भी चाहे BA BSc किसी भी से आप आर्ट्स साइंस मैथ या कॉमर्स किसी से भी ग्रेजुएशन आपकी पास होनी चाहिए तो आप इसका ये फॉर्म फिल कर सकते हो। 31 जनवरी 2021 से पहले आपको ये फॉर्म फिल करना है, जिसकी लास्ट डेट 31 जनवरी दोस्तों। इसकी फ़ीस ज़्यादा नहीं है, जनरल OBC के लिए 700 रुपये, SC ST के लिए मात्र 125 रुपये हैं। तो अगर आपने अभी तक ये फॉर्म फिल नहीं किया तो आप 31 जनवरी को ये फॉर्म फिल कर दीजिए। जो बैंक PO की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही वैकेंसी फ़ायदेमंद है दोस्तों, क्योंकि बैंक PO में बहुत ही कंपटीशन होता है। इसमें कंपटीशन कम होगा क्योंकि कई लोगों को इसका बारे में पता ही नहीं है दोस्तों। तीसरी वैकेंसी इंडियन कोस्ट गार्ड की भी वैकेंसी आ रखी है, जिसमें 358 पोस्ट यानी 358 पोस्ट है, जिसकी लास्ट डेट 19 जनवरी, 18 से 22 साल इसका एज है। अभी तक इसकी फॉर्म नहीं भरे तो इसमें भर दीजिए। इसमें 3 प्रकार की है, GD DB और यांत्रिक। तो इसमें जो GD है उसमें 12th क्लास पास होनी चाहिए साइंस मैथ से, और 10th क्लास DB के लिए उसमें आप अगर 10th क्लास पास हो तो ये फॉर्म भर सकते हो। एज में इसमें OBC SC ST के लिए वो। अब दोस्तों नंबर 2 पे जो वैकेंसी है वो है HSSC, मतलब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से कांस्टेबल, हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल की वैकेंसी आ रखी है, 7298 पोस्ट यानी 7298 पोस्ट की ये वैकेंसी है दोस्तों, जिसके फॉर्म 10 फरवरी से शुरू होंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ज़रूर इसका फॉर्म अप्लाई करिए, क्योंकि ये हरियाणा पुलिस की ज़रूर है, लेकिन हाँ इसमें अदर स्टेट के फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। ये ऑल इंडिया लेवल पर है, आपको ये ज़रूरी नहीं कि इसमें आपको हरियाणा होना चाहिए। आप UP, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा कहीं से भी बिलोंग करते हो, आप इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हो, फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो दोस्तों इसके फॉर्म शुरू होने वाले हैं 10 फरवरी से, आप फॉर्म ज़रूर अप्लाई करना। इसका भी 18 से
25 साल है दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक इसका फॉर्म अप्लाई करने का नहीं सोचा तो सोच लीजिए, अपनी तैयारियों में थोड़ा जोर लगा दीजिए दोस्तों, क्योंकि इसमें अदर स्टेट के भी फॉर्म भर सकते हो और बहुत ही बड़ी वैकेंसी है, 7298 पोस्ट, कम वैकेंसी नहीं है दोस्तों। तो अगर इसके फॉर्म की फीस है वो भी बिल्कुल कम है दोस्तों, जनरल अदर स्टेट वालों के लिए चाहे कोई से भी लिए, जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये और अदर स्टेट वालों के लिए 50 रुपये या एससी एसटी के लिए 50 रुपये फीस है, छोटी सी मामूली सी फीस है। तो आप अब अगर फॉर्म भरने की नहीं सोचे तो सोच लीजिए और तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसमें सभी स्टेट के फॉर्म भर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट अभी इसकी फिक्स नहीं हुई है, कमिंग सून है, देखिए कब तक इसका एग्ज़ाम होगा, लेकिन हाँ 3 से 4 महीने के बीच में इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है फॉर्म भरने के बाद में दोस्तों। तो ये वैकेंसी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी है, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इसमें फॉर्म जरूर अप्लाई करना दोस्तों, क्योंकि कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, आपको 100% कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, इसलिए आपको कोशिश करना है। और ये ऑल इंडिया लेवल पर है तो इसको ज़रूर फॉर्म में अप्लाई करना आपको, क्योंकि फीस भी ज़्यादा नहीं है, 100 और 50 रुपये है। तो आप कहीं से भी बिलोंग करते हो 10 फरवरी से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप ज़रूर अप्लाई करना दोस्तों। इसका जो सिलेबस है उसकी नोटिफिकेशन आपको HSSC की जो ओरिजिनल वेबसाइट है उस पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका सिलेबस ले सकते हो। लेकिन अगर नहीं मिलता तो सिलेबस में आपको एक वीडियो बना के इसका सिलेबस भी बता दूंगा, लेकिन ये वैकेंसी आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे अगली जो वैकेंसी है वो अब दोस्तों नंबर 1 पे जो वैकेंसी है वो राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर की वैकेंसी है, जिसकी लास्ट डेट 22 जनवरी है। अगर आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो आप कर सकते हो, उसमें 1128 पोस्ट है। या ऑल इंडिया लेवल पर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। और इसमें एज है वो है 18 से 40 साल, एज के लिए आपको काफ़ी छूट मिल जाती है, 10th क्लास पास वाला फॉरेस्ट गार्ड के लिए और फॉरेस्टर के लिए 12th क्लास पास होनी चाहिए दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक इसका फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, सिलेबस सभी इसको आपको ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर मिल जाएगा, इसकी नोटिफिकेशन है उस पर मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो कर सकते हो, 22 जनवरी इसकी जो लास्ट डेट है उससे पहले आप फॉर्म अप्लाई ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक करते रहिए, आगे मैं आने वाली नई वैकेंसी की आपको अपडेट देता रहूँगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।